नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, और ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में रजिस्टर ऑनलाइन करने के लिए, और ई टेंडरिंग या फिर ट्रेडमार्क पेटेंट फाइलिंग करने के लिए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से संबंधित दस्तावेजों को साइन करने के लिए, और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आदि पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर का की आवश्यकता पड़ती है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सरकार द्वारा अधिकृत जो है लाइसेंस्ड कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है, और DSC अर्थात डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपकी पहचान को प्रमाणित करने का लाइसेंस होता है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से जो है, यदि आप किसी कंपनी के या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित या ट्रेंडिंग फाइल से संबंधित यदि कोई सिग्नेचर करते हैं किसी फाइल पर, तो उस पे जो है उसके बाद जो है कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो किस आपके जो है पहचान को जो है प्रमाणित करता है। तो इसके प्रयोग से जो है आप डॉक्यूमेंट्स की गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है। तो इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो है आपकी ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आप किस पोस्ट पर हैं, ये सब की जानकारी जो है दर्ज रहती है। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा जो है कुछ एजेंसियों को डिजिटल सिग्नेचर जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो इन एजेंसियों को जो है लाइसेंस सर्टिफाइंग एजेंसी कहते हैं, और इन एजेंसीज की अपनी अपनी लाइसेंस पंजीकरण अथॉरिटी होती है। तो आप जो है डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा जो है कि आईटी मंत्रालय द्वारा जो अधिकृत एजेंसियां होती हैं, ई मुद्रा और एनकोड वेबसाइट, एनकोड है और सिफी है और टाटा कंसल्टेंसी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ये पांच साइट्स हैं, पांच एजेंसियां हैं। और इनके वेबसाइट पर जाकर आप जो है ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इनके अतिरिक्त जो है इन एजेंसियों की अपनी अपनी जो है लाइसेंस पंजीकरण जो है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती हैं, तो उनकी वेबसाइट पर भी जाकर आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इनके अंतर्गत जो इन एजेंसियों के अंतर्गत जो एजेंसीज हैं उनमें mysign.in और digitalsignature.in और digitalsignatureindia.com, तो इन आदि और भी इस प्रकार की साइट्स हैं। तो इनमें आप भी जाकर आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सरकार द्वारा जो अधिकृत एजेंसियां हैं उन पर भी जाकर कर सकते हैं। और दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तीन प्रकार का बनवाया जा सकता है, बनवाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो क्लास टू जो है
वो कंपनी रजिस्ट्रेशन क्लास टू डिजिग्नेचर होता है, वो जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन अथवा इनकम टैक्स फाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अतिरिक्त क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर होता है जो ई टेंडिंग ट्रेडमार्क पेटेंट जैसे कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है DGFT या DSC, इसे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के लेन देन पर सिग्नेचर करने के लिए जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसके आवेदन करने पर आपको इसके लिए जो है अधिकतम 3 वर्षों के लिए जो है ये इश्यू की जाती हैं। और इसमें से आप जो है 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष में से चूज कर सकते हैं कितने वर्ष के लिए आप जो है डिजिटल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अपनी रखना चाहते हैं। और वैलिडिटी पीरियड समाप्त होने के बाद आपको फिर से डिजिटल जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाना होता है। और दोस्तों जितनी भी ये एजेंसी हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने वाली उन पे सामान्यतः जो है एक ही तरह की आवेदन प्रक्रिया होती है। तो हम जो है इस वीडियो में जो है ई मुद्रा वेबसाइट से ऑनलाइन कैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर्स के यदि आप नाम देखना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा और उस पर लिखना होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये आ जाएंगे लिस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर्स, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जो है ऑथराइज की हुई है 5 एजेंसियां हैं और इनके वेबसाइट के नाम भी याद हैं। तो आप इनमें से जिस पे भी चाहें जिसके भी माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो emudra.com से यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो ये emudra जो है वेबसाइट खुलकर आ जाएगी और इस वेब पोर्टल के अंदर आपको बाय डिजिटल सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो भाई डिजिटल सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। और दोस्तों इसके भरने के बाद जो है आपको फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में जो ईमेल आईडी अपनी लिखनी होगी और एड्रेस प्रूफ लिखना होगा। अपना एड्रेस प्रूफ में के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चूज़ करना है वो चूज़ करना होगा। एड्रेस वही लिखना होगा जो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें जो एड्रेस लिखा हो वही एड्रेस आपको फॉर्म में लिखना होगा। और फिर जो आपको पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड देना आवश्यक होगा दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड से ही जो है आपकी प्रमाण आईडी प्रूफ को जो है प्रमाणित किया जाएगा। तो आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में काम करेगा और आपको पैन कार्ड भी लगाना आवश्यक होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उसमें चूज करनी होगी। उसके बाद जो है आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और पेमेंट गेटवे पे पहुंचने के बाद जो है आपको शुल्क आपको जो है का भुगतान करना होगा ऑनलाइन। और इसके लिए आपने जो ऑनलाइन जितने वर्ष के लिए जो है चूज किया होगा उतने वर्ष के हिसाब से आपको चूज करना। यदि आपने यहाँ इंडिविजुअल के लिए चूज किया है और 1 साल के लिए किया है तो आपको 799 रुपीज देने होंगे। और इसी प्रकार से आपको यहाँ से चूज करना होगा कि आप किस सर्विस के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो यदि आप जो है फॉर डॉक्यूमेंट साइनर के लिए करेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट साइनर के लिए ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट साइनर किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो इसके लिए आपको शुल्क 1 ईयर के लिए यदि आप वैलिडिटी वाली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको इतने रुपये देने होंगे। और यदि जो है आप 2 वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो आपको 27,770 रुपये देने होंगे। तो इसी प्रकार ईयर जितने ईयर की वैलिडिटी के हिसाब से लेंगे उतना आपका जो है प्राइस बढ़ता जाएगा। और इसके बाद यदि आप जो है
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए और इंडिविजुअल के लिए अपने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए करना चाहते हैं और एक वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो 799 रुपीज़ आपका लगेगा। तो इसी के आप जो किस चीज़ के लिए जो है आप अपना किस सर्विस के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ से चूज़ करना होगा और चूज़ करने के बाद ईयर की वैलिडिटी चूज़ करनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर आपको ये और अपने इंफॉर्मेशन भरने होंगे, डिटेल्स यहाँ देना होगा इनकम और इनकम टैक्स के लिए है और तो आपको क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी तो ये अपने आप से यहाँ ले लेगा। और आपको इंडिविजुअल के लिए आपने कहा था और ईयर आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो कंप्यूटर या लैपटॉप में रखना सेफ नहीं माना जाता है क्योंकि यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ किया गया तो आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जानकारी प्राप्त कर सकता है वो। तो आपको जो है इसके लिए अलग से USB डिवाइस की आवश्यकता होती है, USB टोकन, और USB टोकन आपको यदि खरीदना है तो आप यहाँ पे फॉर्म के साथ ही यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो 350 रुपीज़ आपको यहाँ पे उसके लिए शुल्क अलग से देना होगा। तो इसके साथ ही जो है आप खरीद सकते हैं इसको भी। और यहाँ एप्लीकेशन में डिटेल भरना होगा, ईमेल आईडी लिखनी होगी और ये सारे आपको डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आदि जो आपके पहचान प्रमाण पत्र में लिखा हो वो सेम यहाँ पर लिखना होगा वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और पोस्टल कोड और यहाँ से आपको सारी जानकारी, यहाँ पैन कार्ड नंबर यहाँ लिखना होगा, नेशनैलिटी इंडियन, और फिर यहाँ से आपको जो है यदि आपको USB टोकन चाहिए तो यहाँ भी यस और नो पर क्लिक करना होगा, चाहिए तो यस पे वरना नो पर। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पहचान प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा आप सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ तो उसको आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप या आधार कार्ड, आप क्या चीज़ यहाँ से आपको चूज़ करना होगा। और वही आपको जो है फिर जो यहाँ आप चूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपको जो है फॉर्म के प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म के साथ भी उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। और एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से करेंगे, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वही आपको डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिंट आउट फॉर्म का निकालने के बाद भी उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी। और उसके बाद आपको यहाँ से किस प्रकार से आप जो है ई मुद्रा कंपनी एजेंसी तक जो है अपना फॉर्म पहुँचाना चाहते हैं, कुरियर के माध्यम से या फिर पिकअप एट डोर स्टेप या फिर कंपनी के एजेंट के द्वारा जो है आप अपने घर से पिकअप करवाना चाहते हैं तो उस विकल्प पर यहाँ से चूज़ करना होगा। और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई एंड पे इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे का पेज खुलकर आ जाएगा और उसमें आपको अपने डेबिट कार्ड, इंटरनेट या बैंकिंग की या फिर जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा शुल्क ऑनलाइन पे करना होगा। और इसके बाद फिर आपको अपने भरे हुए फॉर्म की को डाउनलोड करके उसकी प्रिंटआउट निकालनी होगी। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपने कोरियर का विकल्प चयन किया है तो कोरियर के द्वारा जो है आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा, यहाँ कॉन्टैक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एड्रेस देख पाएंगे कि किस एड्रेस पर आप जो है भेज सकते हैं। तो आप ई मुद्रा लिमिटेड और ये एड्रेस दिया है नंबर 56 थर्ड फ्लोर साई ऑर्किड, तो इस एड्रेस पे आपको जो है आउटर रिंग रोड और देवर भीम साहनी बेंगलोर और पिन कोड 560103 तो इस एड्रेस को लिखकर आपको इस एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। और यदि आप मुद्रा वेबसाइट से किसी सहायता संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं 8046156901 और info@emudra.com पर भी जो है किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है भेजना होगा और भेजने के बाद जो है या
डोर स्टेप पिकअप का विकल्प चुना है तो कंपनी के एजेंट द्वारा आपके घर से आकर जो है आपका फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो है पिकअप कर लिया जाएगा। और इसके बाद आप एजेंसी द्वारा जो ई मुद्रा एजेंसी द्वारा आपके जो रजिस्टर्ड फॉर्म में आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो लिखा है उस ईमेल आईडी पर मेल भेजा जाएगा और उस मेल के अंदर पासवर्ड होगा और डाउनलोड करने का जो है किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो उसका भी इसकी जानकारी दी होगी। तो आप ई मुद्रा की वेबसाइट पर जाकर और यहाँ अपना जो है डॉक्यूमेंट्स या अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको जो है अपने उसमें जो पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड डाल करके और उसे जो है आपको डाउनलोड करना होगा और इस प्रकार से आप अपना जो ई मुद्रा का सर्टिफिकेट मुद्रा की वेबसाइट से जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। और रिन्यू करवाना हो तो रिन्यू करवाने के लिए यदि आपको रिन्यू करवाना है तो आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा तो आप यहाँ से रिन्यू भी करवा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है आप प्रोसीड पर विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आप रिन्यू करवाने का भी जो है आपको ऑप्शन प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन जो है आवेदन करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे आपकी लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है योजना इस डीएससी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।